कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। इस पर अपडेट ये है कि एसटीएफ ने मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। जफर हयात हाशमी की पत्नी ने यह दावा किया है। हाशमी के सभी फोन बंद है, ये हयात की पत्नी की तरफ से कहा जा रहा है। लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दावा हाशमी की पत्नी की तरफ से किया जा रहा है कि हाशमी के सभी फोन बंद है। और खबर ये मिल रही है कि लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोटो इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि पुलिस लगातार पहले भी दबिश दे रही थी, जो इसके रिश्तेदार हैं उनके यहां पर भी छापा मारा जा रहा था। लगातार तलाश इसकी कल शाम से ही हो रही थी। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को अरेस्ट कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम का रुख करें सीधा। श्याम, खबर मिल रही है ये मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तारी हो गई है इसकी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिस जफर की तलाश कर रही थी और जफर को ही मुख्य आरोपी बनाया गया था, पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हो गई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम जफर के घर पे ही मौजूद हैं और घर वाले भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जफर की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसकी उसकी माँ यहाँ पर बैठी हुई है। आपको बता दें कि जो पुलिस है, पुलिस फिलहाल पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो जफर के घर वाले हैं, परिजन हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जफर की बहन है, वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा जो घटनाक्रम था, उनकी उनको क्या जानकारी है इसके बारे में और जो जफर की गिरफ्तारी हुई वो कहाँ से हुई है। आपको बता दें कि अभी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं उनके सिस्टर से। वो शायद अपना जो चेहरा है वो नकाब से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वो डिटेल में बताएंगी कि किस तरीके से जफर इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं या क्या क्या भूमिका रही। ये बताइए, जफर की गिरफ्तारी हो गई, क्या सूचना है आपको? हाँ, पता तो चला हम लोग को भी कि एसटीएफ ने उनको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है और ये सरासर उन पे इल्जाम और झूठ है कि मुख्य आरोपी वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 3 तारीख उन्होंने इसका खंडन किया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। ये नहीं, कल जो पूरी ये हिंसा हुई उसका पूरा मास्टरमाइंड जो पुलिस और प्रशासन है और जो स्थानीय लोग हैं वो जफर को ही बता रहे हैं। उनका कहना जफर ने बंद को बुलाया था और इसके बाद प्रशासन को गुमराह किया और कल प्रदर्शन कर दिया। हकीकत क्या इसकी? बंद को बुलाया था लेकिन 3 तारीख का उन्होंने जाके 1 तारीख को अनवरगंज थाने में इसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं, हम 3 तारीख को करेंगे, हम 5 को करेंगे, लेकिन फिर भी इसका मुख्य आरोपी इनको बनाया गया है। क्या वजह रही कि हयात जफर के मना करने के बाद भी ये प्रदर्शन हुआ? कौन ये लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन कर दिया, जिन्होंने हंगामा किया, इतना उपद्रव किया? अब ये तो नहीं बता सकते कि कौन है क्या है, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन उनको फंसाया जा रहा है सरासर। शाम इनसे जानने की कोशिश करिए, जब ये हिंसा हुई, जब कहां था जफर, क्या घर में ही था उस वक्त जफर मौजूद? ये बताइए कि जब ये हिंसा हुई उस वक्त जफर कहां पर था, क्या घर पे मौजूद था या कहीं और पर था या मौका वारदात पर था? नहीं, मौका वारदात पे नहीं था, ना ही उसको इसके बारे में कोई इल्म था, ना ही उसने ये सब कुछ कराया। कहां था जफर, क्या जानकारी आपको? इस बारे में तो नहीं बता सकते, ना ही कोई जानकारी हमें कि वो कहां थे, लेकिन वहां पे नहीं थे, ना ही उनको इस घटना की पूरी जानकारी थी कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि 3 तारीख का उसने खंडन कर दिया था। 3 तारीख कुछ होना ही नहीं था उसके हिसाब से। अब ये किन लोगों ने किया, क्या किया, ये तो उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है ना। तो फिर जानिए कि ये इतना श्योरिटी से कैसे बोल सकती है कि जफर जब घर में नहीं था तो वहां पर भी वो नहीं था। एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि आप इतने पुख्ता तौर पर कैसे कह सकती हैं, जब वो घर पे नहीं था तो वो वहां पर भी नहीं था मौके पे, कैसे कहा जा सकता है, कैसे कह सकती हैं आप? नहीं तो वहां हम लोग उसके घर वाले हैं, हम लोग को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। इनसे बोलिए शाम, मैंने पता ही नहीं है जफर था कहां, कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। जब उसने खंडन कर दिया था तो उस चीज से वो बिल्कुल अलग हो चुका, फिर भी उसको उससे जोड़ा जा रहा था, उसके उससे जोड़े जा रहे हैं। नहीं तो आपको तो मालूम ही नहीं वो कहां पर था। हाँ तो मालूम है ना, ये भी मालूम है ना कि वहां भी नहीं था। हम अपने घर में थे, हम ससुराल, मेरी शादीशुदा है, मेरे बच्चे हैं, हम अपने घर पे थे। उसके बाद जब ये पूरा एपिसोड हो गया उसके बाद क्या हयात से आपकी बात हुई? नहीं, बात हुई आपकी नहीं।
लखनऊ कैसे पहुंचा? लखनऊ कैसे पहुंचा जानिए इनसे, लखनऊ कैसे पहुंचा? एसटीएफ वालों ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ कैसे पहुंचा, कोई जानकारी आपको है? उनकी बहन का साफ तौर पर कहना यह है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वो लखनऊ कैसे पहुंचा और ये पूरा प्रकरण किस तरीके से आगे बढ़ा, वो इस बात की भी जानकारी नहीं दे पा रही है कि जब वो घर पे कल नहीं था तो वो कहां पर मौजूद था। लेकिन वो ये बात जरूर बार बार दोहरा रही है कि जफर इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं था, वो उस समय वहां पर नहीं था। और जो दूसरे संगठन है उन्होंने धोखे से उस प्रदर्शन को अंजाम दिया, क्योंकि पहले जफर ने इस बात को कहा था कि वो उस दिन प्रदर्शन करेगा और बंदी करेगा, इसी वजह से उसको मुख्य आरोपी बना दिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।